तुम्हारे आराध्य की प्रतिमा का मुख यहाँ के प्रवेश द्वार की दिशा में होना चाहिए अथवा उनका पृष्ठ प्रभु गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे थे। मुझसे ही बहुत बड़ी भूल हुई है। जब कोई मेरी राज्यसभा में प्रवेश करता है तो उसे भगवान की पृष्ठ के दर्शन होते हैं। ये तो सर्वथा अनुचित है। उनकी प्रतिमा का मुख उचित दिशा में नहीं है। तो फिर मैं अभी इस भूल को सुधार लेता हूँ। प्रतिमा की दिशा को अभी परिवर्तित कर देता हूं मैं। ये त्रिशूल से उस प्रतिमा पर प्रहार करने का महापाप करने जा रहा है। यही तो मैं चाहता था। ये इसकी प्रथम बड़ी भूल होगी। अब ये अचानक रुक क्यों गया गणेश? आभास तो नहीं हो गया कि वो गणेश के भटकाव में उलझने जा रहा है? ना ना, ऐसा कदापि नहीं कर सकता मैं। इस कार्य ही तो अस्त्र का प्रयोग प्रभु का अपमान होगा। अभी तक भंडासुर ने जो कोई भी कार्य किए वो सब गणेश के नाम का उच्चारण करने के उपरांत ही किए। ये प्रथम कार्य है जो वो उसके नाम का उच्चारण किए बिना ही कर रहा है। और ऐसा कर उसने स्वयं अपने कार्य में विघ्न को निमंत्रण दिया है। सर्वथा उचित है। हाँ, ये दोष तो सर्वथा उचित है। भंडासुर से भूल तो हो गई, परंतु इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? और साथ ही भंडासुर खंडित शिवलिंग की पूजा के दोष का भागी भी बनेगा। और यही है उसके पतन का आरंभ। मैंने अपने दोष को सुधार लिया है प्रभु। अब मेरी महानता में और वृद्धि होगी। देखो गणेश, समय के साथ तुम्हारी युक्ति सफल हो रही है। भंडासुर के भवन में उसका अपना ही परिवार 16 श्रेष्ठ संस्कारों का पालन करना भूल चुका है। स्त्रियों ने तांबूल का सेवन करना छोड़ दिया है। शैया पर भोजन किया जा रहा है। निर्वस्त्र होकर निद्रा कर रहे हैं तथा ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी सब सो रहे हैं। और इसका परिणाम तो सर्वथा अंधकारी ही होगा। भंडासुर की विजय पर रोग लग गई है। उसके दैत्य सो गए हैं। महल के भीतर होने वाले यज्ञ रुक गए हैं। तुम्हारी प्रतिमा का पृष्ठ
भंडासुर के भवन की ओर होने से वहाँ सभी उचित आचरण का पालन करना भूल चुके हैं। किंतु भंडासुर नहीं भैया, वो तो अभी भी उचित आचरण पर ही दृढ़ है, और हमारा कार्य तो तभी सिद्ध होगा जब वो उससे भटक कर कोई बड़ी भूल करेगा। और समस्त संसार में वो एकमात्र ही है जो भंडासुर को भटकाने में मेरी सहायता कर सकते हैं। कौन अनंत गणेश, कौन है वो? प्रणाम मामा जी। कल्याण हो पुत्र, तुम्हारे यहाँ आगमन का कारण ज्ञात है मुझे। संसार के कल्याण हेतु तुम अपना कार्य संपन्न कर चुके हो, शेष कार्य मुझे करना है। गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। उल्लंघन, 16 संस्कारों का निरादर और मेरे प्रभु गणेश जी और महादेव जी की पूजा की अवहेलना, क्यों? क्षमा कीजिएगा असुर महानाय, कीजिएगा असुर महानाय, कीजिएगा असुर महानाय। मोह पाश में सब संसार, सुंदर, अति सुंदर। हे महान असुर महानायक भंडासुर जी, वी मोहिनी का प्रणाम स्वीकार करें। वी मोहिनी, सावधान असुर महानायक भंडासुर। ये वी मोहिनी के रूप में देवताओं का ही कोई छल है। वी मोहिनी, जो नाम और रूप दोनों से ही मोह की पर्याय हो, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? महान असुर महानायक भंडासुर जी, मात्र मैं एक सेविका हूँ। आपके अधीन होने की लालसा मुझे यहाँ खींच लाई। अच्छा, तो तुम संसार के महानतम असुर भंडासुर की अधीनता स्वीकार करना चाहती हो, किंतु उससे पूर्व यहाँ के नियमों के अनुसार तुम्हें प्रभु गणेश की मूर्ति पर पुष्प समर्पित करने पड़ेंगे। उसके पश्चात देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग की आराधना करनी होगी।
प्रतिमा की ओर क्यों नहीं जा रही है? अपने आराध्य का कोई भी अपमान स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे लिए मेरे स्वामी, मेरे आराध्य आप ही हैं। असुर जाति के महान उद्धारक, अनेक ब्रह्मांडों के अधिपति, स्वयं असुरों के ईश्वर जब मेरे समक्ष हैं, तो मैं किसी अन्य की प्रतिमा को पुष्प क्यों समर्पित करूं? यहाँ तो एकमात्र आप ही की पूजा होनी चाहिए असुर महानायक। अनुचित है ये। अनेकों ब्रह्मांडों का विजेता हूं मैं, और मुझे असुरों का ईश्वर मानना इतना तो चलता है। किंतु आपके द्वारा ही निर्धारित नियम, नियमों को परिवर्तित करना तो असुर महानायक का अधिकार है। उचित है असुर महानायक, फिर आपकी आज्ञा से आज से इस राज्य सभा में यही नियम स्थापित होगा, और सभी आपके चरणों में पुष्प समर्पित कर आपके ही पूजा करेंगे। ये विमोहिनी जो भी है, इसका आगमन होते ही तुमने अपना विवेक खो दिया है भंडासुर। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, इसलिए मेरे वचनों का तिरस्कार कर तुमने अपने गुरु का अपमान किया है। वरण करो भंडासुर, पूर्व में ही मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, जिस दिवस तुम मेरा अनादर करोगे उस दिवस मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। असुर महानायक के समक्ष इतने ऊंचे स्वरों का प्रयोग करना दुस्साहस मत कीजिए। आप यहाँ से प्रस्थान के लिए मुक्त हैं। जहाँ मेरा अपमान हो उस सभा में मेरा एक पल भी रुकना असहनीय है। वशीभूत होकर ये उचित नहीं किया मैंने, मुझे गुरुदेव को रोकना चाहिए। आहा, जाने दीजिए उन्हें। आप स्वयं असुरों के ईश्वर हैं, आपको भला किसी गुरु की क्या आवश्यकता है? काम के वश में है संसार, इतने मधुर वचन अनुचित नहीं हो सकते। कहो देवी विमोहिनी, क्या चाहिए मुझसे? मैं और मेरी सखियों के यहाँ निवास हेतु मात्र एक उपयुक्त निवास स्थान। सखियाँ? अमृत रागन, अवश्य वो भी इसी के समान अत्यंत सुंदर होगी। स्वागत है तुम सभी सुंदरियों का। आज से तुम यही निवास करोगी हमारे मध्य में, हमारे बीच। देवी विमोहिनी को मेरा कक्ष दिखाइए।
भंडासुर को अपने गुरु के विरुद्ध जाने के लिए मना लिया है और गुरु का ना होना अशुभ है। अमरपुर में अब इसी प्रकार अंधकार छाया रहेगा। किसी भी कक्ष के द्वार कई वर्षों तक नहीं खुलेंगे और अमरपुर के सिंहासन पर इसी प्रकार धूल एकत्रित होती रहेगी और भंडासुर किसी भी ब्रह्मांड को अपने अधीन नहीं कर सकेगा। भंडासुर और उसके परिवार के बीच भटकाव उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मांड और स्वर्गलोक जो उनके द्वारा अधीन हो गए थे उन पर भी उनकी शक्ति का प्रभाव कम होता जाएगा। अब भंडासुर इसी तरह अपने मोह से ग्रहस्त होकर भटका रहेगा और जैसे ही उसके वरदान की अवधि पूर्ण होगी तो उसके शासन और उसके स्वयं के अंत के साथ सृष्टि पर छाया महासंकट भी टल जाएगा। प्रणाम नारायण। प्रणाम ज्ञान गुरु। प्रणाम माता। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश। हे श्री हरि, अब समय आ गया है, हम देवासुर महासंग्राम की तैयारी कर उस भंडासुर रूपी संकट को नष्ट करने का सुमूल उपाय करें। भंडासुर अभी तक के सभी असुरों से कहीं अधिक दुष्ट और शक्तिशाली होगा। उसके साथ महासंग्राम अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगा। हाँ प्रभु, उचित आचरण से भटकने के कारण अब उसकी शक्तियाँ क्षीण पड़ गई हैं। अब उसे पराजित करने का यही उचित अवसर है। उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। प्रभु, मैं अपने तप से उस भंडासुर का वध करने पर तत्पर हूँ। उसका अंत करना तो त्रिदेवों के लिए भी असंभव होगा। अब हमारे द्वारा ही अंत होगा उस महापापी का। ऐसे महापापी महासुर का संहार एकमात्र माता पराशक्ति द्वारा ही संभव है। हम उसे अत्यंत भयंकर मृत्यु प्रदान करेंगे प्रभु, बस आज्ञा दीजिए। नहीं देवगण, नहीं देवगण, नहीं देवगण, ऐसा कदापि संभव नहीं, क्योंकि एकमात्र माता पराशक्ति ही उसका अंत करने में सक्षम है। इसीलिए आप सभी देवताओं को एकजुट होकर संसार के उद्धार हेतु माता पराशक्ति की कठोर तपस्या कर उनका आवाहन करना चाहिए। तभी माता पराशक्ति हम पर कृपा कर संसार को इस दुष्ट से मुक्त करेंगी। रहमित्येव विभावये भवानी। हे माता पराशक्ति, हम पर कृपा कर हमें अपने दर्शन प्रदान करें और उस दुष्ट भंडासुर का अंत कर जगत को उससे उत्पन्न संकट से मुक्त करें। भैया, माता पराशक्ति को प्रसन्न कर उनके दर्शन प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। देवताओं के साथ हमें भी सहस्त्रों वर्षों तक उनका घोर तप करना होगा और इस अवधि में भंडासुर का भटकाव में उलझा रहना ही उचित होगा, अन्यथा वो पुनः कोई नवीन संकट उत्पन्न करेगा। अधर्म कितने भी मुखौटे लगा ले, अंततः उसका वास्तविक रूप सामने आ ही जाता है। देवी विमोहिनी ने आधा कार्य संपन्न कर दिया है। अब माँ पराशक्ति के हाथों इस पाप और अधर्म का अंत होना तय हो गया है। व्यक्ति की सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा उसके अपने विकार होते हैं, उन पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। फॉर मोर अपडेट subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.